टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वेलकम टू द मजेदार शो। You were having me. कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइए, जो आर्टिस्ट की जिम्मेदारी होती है, हम जो डिस्कस कर रहे थे, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? मेरा ख्याल है इसके बारे में, जो भी ख्याल है मेरा, वो बहुत ही डबल साइडेड है। आई थिंक इसका कोई एक ख्याल नहीं हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास दो डेफिनेशंस थी उसकी। बिल्कुल, इसकी और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हो सकती हैं, और मुझे लगता है कि जब आप आर्टिस्ट होते हो तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप बिलीव क्या करते हो वाकई में, और आप किस तरह का नॉलेज इम्पार्ट करना चाहते हो, और आप लोगों को किस तरह से इंस्पायर करना चाहते हो। मेरा ख्याल है, मैंने जो अपने लिए पर्सनली एक डायरेक्शन चुनी है, वो ये है कि एज एन आर्टिस्ट मुझे लगता है मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मुझे पता है वो मैं दूसरों को बताऊं, और मैं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लिए और जो लोग हमारे माशरे में हेल्पलेस हैं और उनके पास नहीं है इतना सहारा, उनके लिए बोलूं और उनके लिए खड़ी हूं। और मुझे लगता है एज आर्टिस्ट जिनको लोग देख रहे होते हैं, जिनको लोग सुन रहे होते हैं, जिनकी बातों पर लोग अमल करते हैं, आई थिंक उनके पास है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनको बोलना चाहिए उन चीज़ों के बारे में जो कि वो बिलीव करते हैं। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि आर्टिस्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं क्यों ये बेड़ा उठाऊँ? नहीं, ज़रूरी तो बिल्कुल भी नहीं है, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। एंड में आपका आर्ट मैटर करता है, वो तो ऑफकोर्स, अगर आपके आर्ट के अंदर इस तरह की कुछ आप एलिमेंट्स डालना चाहते हैं ऑफ एक्टिविज़म और विद आर्ट इफ़ यू वॉन्ट टू इंस्पायर पीपल थ्रू एंड यू नो हेल्प कम्युनिटीज़ इस तरह से, तो आप अपना अंदर मैसेज एक डाल सकते हैं। लेकिन आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे एक आर्टिस्ट का आर्ट सबसे ज़्यादा मैटर करता है, और अगर आप उस आर्ट के अंदर एक्टिविज़म और सोशल मैसेज डालना चाहते हो, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू बिकम्स बेटर, या टू इम्पार्ट योर नॉलेज बेसिकली। परफेक्ट। अच्छा, आपने थिएटर से काम शुरू किया? बिल्कुल, इत्तेफाकन मैंने और आदि ने थिएटर से काम शुरू किया कराची में, आपने लाहौर से गालिबन शुरू किया। थिएटर के बाद ट्रांजिशन किया आपने टीवी की तरफ, और टीवी से आप वेब पे चली, बहुत तीनों में बड़ा फर्क है काम करने का तरीका कार में, तो क्या 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 ट्रांजिशन है, कैसे इन्जॉय किया, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरे लिए तो बेसिकली ये एक सब कुछ बस होता चला गया, इट वॉज जस्ट फेट। मेरा कोई प्लान नहीं था टीवी में आने का, मैं तो स्कूल में थी और मैं ओ लेवल में थिएटर कर रही होती थी। आई वॉज एक्चुअली द फर्स्ट बैच ऑफ ओ लेवल ड्रामा इन पाकिस्तान। तो वहाँ पर मुझे सरमद खूसट ने स्पॉट किया एंड ही डिसाइडेड टू कास्ट मी इन अ ड्रामा, और उसके बाद भी फिर मैंने बहुत बड़ा हाइटस ले लिया बिकॉज आई डेंट वॉन्ट वर्क एनी मोर। मैं सोचती थी कि मैं लेकिन जब सरमद ने आपको रीच आउट किया, What was going on? क्या सोचा आपने, मुझे करना है, मुझे नहीं करना है, ये क्यों कर रहा है, हाँ ये मुझसे क्यों पूछने के ये करना है? क्योंकि थिएटर एक्टर को मुझे ऐसा लगता है वक्त लगता है ट्रांजिशन करने में, टीवी की ट्रांजिशन बड़ी मुश्किल होती है। थिएटर में आप बड़े लार्जर देन लाइफ और बड़े खुले डुले होकर काम करते हो, यू हैव मोर टू एक्सप्लोर इन थिएटर, मुझे ऐसा लगता है। टीवी में आपको बड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि थिएटर एक एक्टर्स मीडियम है, बिल्कुल, और टेलीविजन एक प्रोड्यूसर्स मीडियम है, उसके अंदर